नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी तीरा बेल्ट ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो जैसे आप लोग बोल रहे हैं 40 चेस्ट का या 41 चेस्ट का ब्लाउज बताइए, तो आज मैं आपको वो ही बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद जो हमारा ये कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए, कपड़े को हमें डबल करके लेना है, ये डबल है यहाँ पे देखिए। अब इसके बाद देखिए, जैसे हमारा ये ब्लाउज है, यहाँ पे इसकी चेस्ट है वो 40 है और गुंजाइश भी लेनी है हमें इसमें ज़्यादा, और इसकी जो लंबाई है वो 14 इंच है। इसके जो शोल्डर है वो 10 इंच है। सबसे पहले तो हम लंबाई देखेंगे कितनी लंबाई है, तो यहाँ पे इसकी लंबाई है 15 इंच। तो देखिए, सबसे पहले हमें 40 है तो 20 इंच पे निशान लगाना है। अब इसमें हम गुंजाइश लेंगे, बोलेंगे 4 इंच की, क्योंकि जिसका ये ब्लाउज है उसने बोला है गुंजाइश ज़्यादा लेना है। अब इसके बाद हम इसको कम ज़्यादा करेंगे, 1 इंच हमारा एक पल्लर बड़ा होना चाहिए, और पीछे की जो आप लंबाई रखना चाहते हैं उतनी लंबाई ले लें। जैसे आप यहाँ पे लंबाई 13 इंच की रखना चाहते हैं या 12 इंच की रखना चाहते हैं, उसमें 1 इंच आपको ज़्यादा लेना है सिलाई के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मेरा जो कपड़ा है 14.5 इंच आ रहा है और 1 इंच मैंने ज़्यादा लिया है आगे का पल्लर। अब इसको हमें ऐसे करना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे अपने शोल्डर लेंगे, वो 5.5 इंच के लेंगे, 10 इंच है हमारे शोल्डर, तो 10 का आधा 5 इंच, तो हमने यहाँ पे 5.5 इंच लिया है, 6 इंच के आरुमल। अब इसके बाद यहाँ से गोलाई, ये हमारा पीछे का है। आधा इंच यहाँ पे हमें आरुमल का कटिंग करना है, 2 इंच गले की चौड़ाई, गले की लंबाई हम यहाँ पे 7 इंच की रखेंगे, और यहाँ पे हमें गोलाई, तीरे का निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 13 इंच पे, 1 इंच ऊपर की साइड लेंगे और इसको भी ऐसे शेप में कटिंग करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे टक्स का निशान 10 इंच पे। अब हमें अपना जो फिटिंग का कपड़ा है वो लेना है 10 इंच। अब 10 इंच का आधा करेंगे तो प्लेट आएगी हमारी यहाँ पे 5 इंच पे। इसको हमें अच्छे से गहराई में डालना है। उसके बाद एक निशान हमारा यहाँ पे आएगा टक्स के बराबर, 2 इंच की दूरी रखेंगे यहाँ पे, 2 इंच की दूरी यहाँ पे, कैंची का कट लगा देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आधा इंच काट लेंगे तीरे को। अब देखिए, यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे 2 इंच, इस तरीके से हम गले को बनाएंगे, और पीछे की प्लेट का निशान हम यहाँ पे लगाएंगे 6 इंच पे। अब देखिए, यहाँ पे जो इसकी जो चौड़ाई है पट्टी की, उतनी ही रखनी है हमें, ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखनी, क्योंकि जिसका जैसा गला है उसी तरीके से हमें बनाना है। आधा इंच हम छोड़ के ही काटेंगे क्योंकि सिलाई में भी जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे कैंची का कट। कपड़े को हमें डबल करके रखना है। अब देखिए, यहाँ पे ये हमारी बंद वाली साइड है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे रखेंगे। 1 इंच हम कपड़ा यहाँ पे साड़ी वाला है वो ज़्यादा लेंगे, क्योंकि इसके जो नीचे हम तुरपाई करेंगे तो इसको ही दबा देंगे।
यहाँ पे तीरा रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम तीरे को भी यहाँ पे लंबाई में 1 इंच ज्यादा काटा है, इसको भी तुरपाई करेंगे नीचे की साइड। तो ये तीरा हो गया, ये हो गया हमारा आगे का पल्लर और ये हो गया हमारा पीछे का पल्लर। और इसमें से हम बाजू निकालेंगे। तो देखिए कपड़ा काफी कम है तो इसमें से हमें बाजू निकालनी है। अगर आप पे बाजू की कटिंग और स्टिचिंग नहीं आती तो प्लीज ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके देख लें बाजू की कटिंग और स्टिचिंग, वो मैंने अलग से बताया है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, तो इसको हमें ऐसे करके रखना है तरीके से और फिर सिलाई लगाएंगे। अब अस्तल के बराबर कटिंग कर लेंगे जो साड़ी का कपड़ा है। अब यहाँ पे लेंगे 1/2 इंच। और इसको कम करते हुए उतारेंगे। अब देखिए वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर करना। कुछ पूछना है या सीखना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना। अब यहाँ पे लेंगे 1 इंच, इसको भी कम करते हुए उतारेंगे एकदम सेफ में। अब यहाँ पे 1/2 इंच लेना है, इसको भी कम करते हुए उतारेंगे। यहाँ पे लेंगे 1/2 इंच, इसको भी कम करते हुए उतारना। तीरे को ऐसे रखना है हमें और फिर सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। ऐसे करके बराबर करके सिलाई लगानी है हमें। अब देखिए चारों प्लेटें डल गई। अब तीरे को हमें ऐसे करके रखना है इस तरीके से और सिलाई लगानी है। अब देखिए जो हमारा सीधा हाथ है वहां पे हम अंदर वाली पट्टी लगाएंगे हुक वाली। तो इसकी पट्टी की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। अब इसको हमें ऐसे करके रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे अंदर वाली पट्टी भी लग गई, देखिए इस तरीके से। अब हम दूसरी साइड काज वाली पट्टी लगाएंगे। यहाँ पे हमें गले में पट्टी लगानी है और पीछे का गला हम डिजाइन का बनाएंगे। तो देखिए आगे की साइड हम कपड़े को तिरछा करेंगे। आरूमल का जो कटिंग का कपड़ा है इसको हमें तिरछा करना है। यहाँ पे पट्टी की चौड़ाई है वो 1.5 इंच है, इसको हम ऐसे जोड़ेंगे। आधा 1/2 इंच का कपड़ा दबाते हुए हमें सिलाई लगानी है। अब पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो अंदर का कपड़ा है उसको काट लेंगे क्योंकि हमें तुरपाई करनी है ना, तो ये जरूरी है काटना। अगर हम इसको नहीं काटेंगे तो फिर झोल सी आएगी।
अब ये काट लिया हमने, अब पीछे का तैयार करेंगे। सीधे के ऊपर रखा हमने, आधा आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगानी है। सुई को अंदर के साइड रखेंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे। इसके बाद देखिए हमने कैंची के कट भी लगा लिए यहाँ पे कुन्नी पे, अब इसको अंदर के साथ दबा देंगे। अब इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ पे आप 1 इंच भी ले सकते हैं, आधा इंच भी ले सकते हैं, 1/4 इंच भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, जितने भी आपके कमर है उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तो 1 इंच ले रही हूँ और सिलाई लगाऊंगी। अब देखिए यहाँ पे हमने पीछे का गला तैयार कर लिया, अब आगे का जो तैयार किया है हमने गला ये पट्टी लगा के, वो हम देखिए यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे इस तरीके से, पट्टी को बाहर रखेंगे। अब यहाँ पे हमें ऐसे जोड़ना है। ये पल्ला तैयार हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम तुरपाई कर लेंगे, इसको अंदर की साइड दबा के ऐसे तुरपाई करनी है। आगे की साइड लेस नहीं लगाएंगे हम, बाजू पे लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आगे का इस तरीके से तुरपाई कर लेंगे, पीछे का हमारा लेस लग गया और ये गला भी तैयार हो गया। इसी तरीके से हम जो दूसरा पल्ला है उसको तैयार करेंगे, फिर बाजू लगाएंगे। तो अगर आप फिटिंग करना नहीं आता है तो ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके फिटिंग करना सीख लें। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कुछ पूछना है या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।